अस्सलामु अलैकुम। सीमा फलगुंजा, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? घर में है ना, हाथ खूब धोते रहिए। हर थोड़ी देर पे हाथ धोइए और घर से बाहर बिला जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं जाइएगा। अब मैं आजकल आपको जो भी डिशेस सिखाऊंगी वो कोशिश मेरी ये है, मेरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए ये है कि स्टे होम कुकिंग में आपको वैरायटी सिखाऊं। वैरायटी इस तरह कि जो भी आपकी किचन कैबिनेट में सामान हो, जो भी आपके फ्रिज में हो, उसी के अंदर हम घूम फिर के उसी में एक डिश बनाएं। तो आज की मेरी डिश है मटर आलू की सब्जी। आलू मटर की सब्जी के लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें आप आगे पीछे कर सकती हैं। मैंने तो देखा घर में जो जो था मेरे सामने वो मैं निकालती गई, आप एडजस्ट कर लें। प्याज नहीं, आजकल प्याज इतनी महंगी हो गई है, क्वांटिटी कम कर लें, ओमेट कर लें, सब्जी में तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये तीन मीडियम साइज आलू हैं, एक प्याली मटर है। अच्छा, ये फ्रोजन मटर है, अगर ताज़ी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बॉईल करके यूज़ कर लें, इधर नहीं हो तो ओमिट कर दें, ताज़ी वाली है वो सब्स्टिट्यूट कर लें। दो से तीन टमाटर, अगर छोटे हैं तो तीन ले लें, मैंने स्किन उतारा है और उसको काट लिया है। दो छोटे प्याज हैं, आजकल प्याज की कीमत पे तो आग लगी हुई है, आप चाहें तो एक छोटी ले लें, आधी ले लें। ये हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए, ये 1 teaspoon ऑफ गार्लिक है पिसा हुआ, और ये 1 tablespoon ऑफ जिंजर है। साथ पिसा हुआ है तो भी 1 tablespoon डाल लें, जो सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश कर लें। अब बघार के लिए कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मैं ये करती हूँ, एक बंच आ जाता है अच्छा, फ्रीज़र में रखती हूँ, तो फ्रीज़र से निकाला, दाल में, बघार में, जिसमें भी डालना है। नहीं है कड़ी पत्ता, ओमिट करें, इस वक्त घर में जो चीज़ें हैं उनको अवेल करें। अब ये बघार की 5 चीज़ें, 5 पूरन, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 1/4 teaspoon मेथी दाना, 1/2 teaspoon वाइट ज़ीरा, 1/2 teaspoon कलौंजी, कलौंजी तो आजकल जिस चीज़ में डालें उसमें शिफा है, 1/2 teaspoon ऑफ राई। ये तो हो गया बघार। अब बाकी मसाला, 1 teaspoon सॉल्ट, और लाल मिर्च अपनी टेस्ट के हिसाब से तकरीबन 1/2 teaspoon नहीं है, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/4 cup to 1/2 cup ऑफ ऑयल, लाइट बनाना है तो 1/4 डाल दें। अब ये कड़ी पत्ते की बघार, ये कड़ी पत्ते मैंने धो दिए थे, बस अब सारी बघार, 5 चीज़ें डाल रही हूँ बघार की। कलौंजी तो यूज़ करें हर चीज़ में, थोड़ी थोड़ी 4-5 दाने डाल दिया करें। मैं प्याज डाल रही हूँ, देखिए प्याज हो गई है, बहुत काली नहीं मैं कर रही, बस हल्का सा कलर आ गया। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। लहसुन, अदरक, थोड़ा सा मसाला पत्ता, ये देखिए मसाला भुन गया है। मैं आलू डाल रही हूँ, आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। अभी अपने घर के लोगों पे आप एडजस्ट कर लें, जितने लोग हैं उस हिसाब से बढ़ा घटा लें। अब इसमें मैं 1 प्याली गर्म पानी डाल रही हूँ, ज़रा सा ये आलू गल जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अगर आप फ्रेश मटर ले रही हैं तो इस वक्त डाल लें मटर गलाने के लिए, मेरी फ्रोज़न है तो मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी। ये मैं अभी 10 मिनट पकाऊंगी ताकि आलू अंदर से हाफ डन हो जाए। ये 10 मिनट हो गया है, अब मैं ये टमाटर डाल रही हूँ कटे हुए। टमाटर नहीं हो कोई मसला नहीं, 1-2 tablespoon दही डाल दें, दही नहीं हो कोई मसला नहीं, ओमिट कर दें। ये मैं मटर डाल रही हूँ, आप चाहें तो अवॉइड कर लें, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो साल के 12 महीने मिलती है, नहीं है आपके यहाँ तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही आप खा के देखें पूरी के साथ
बगैर मटर के बहुत ही मजे की होती है। मेरी अम्मी बहुत बनाती थी इस तरह बगैर मटर के। मैंने तकरीबन आधी प्याली मटर और डाला है। हमारे यहाँ मटर बहुत ही शौक से खाया जाता है। मैं मजीद पानी नहीं ऐड कर रही क्योंकि अभी ये मटर थौ होगा, इसका निकलेगा, टमाटर का निकलेगा। बस अब इसको मैं ढांक रही हूँ और ये कोई 10 मिनट और पकेगा। देखें हो गई है। अब लिक्विड जितना आप चाह रहे हैं, अगर आप चपाती के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा ड्राई कर लें, ये पूरी के साथ खाएं। मैंने तो थोड़ा लिक्विड ही रखा है। और इसमें साबुत हरी मिर्च एक दो, हरा धनिया थोड़ा सा, बस। आहा, क्या खुशबू आ रही है। और देखें गरम गरम धुआं भी निकल रहा है। थोड़ा सा धनिया छिड़क दें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ख़ास करके कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता यानी बहुत से लोग इसको मीठा नीम भी कहते हैं। बहुत अच्छी खुशबू है। चलें भाई अब इसको टेस्ट करते हैं। अच्छी गरम गरम सब्जी है और नान का मैंने टुकड़ा रखा है अपने साथ, ताकि नान के साथ इसके मज़े लूँ। बहुत ही अच्छी सब्जी। आलू गला हुआ मटर तो खैर फ्रोजन वैसे ही नरम होती है, बहुत अच्छी है। और ये जो 5 बघार मैं देती हूँ ना, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर एनहांस होता है। वो आप किसी सब्जी में भी करिएगा ना, आपको मजा आएगा। अब आज की हेल्थ टिप ये है कि अपने खानों में कलौंजी का इस्तेमाल जरूर करें। एक चुटकी कलौंजी, खासकर छोटे बच्चे ऐसे तो नहीं फांकेंगे, तो आप दाल बना लें, चिकन बनाएं, गोभी बनाएं, जो भी चीज पकाएं खाने में एक चुटकी डाल दें। एक चुटकी से कोई इतना फ्लेवर बदलता नहीं। अब मेरी हर मुमकिन कोशिश ये है कि जो वीडियोस लगाऊं आपके लिए वो ऐसी हो कि आपके घर में जो चीजें हैं उसी के अंदर, जो आपके रिसोर्सेज हों उसी को लेके चलें और उसी के अंदर बनाएं। दिस इज सीमा साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज। मा सलामा।